मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में नगर निगम का बुलडोजर जुगल किशोर चांडक के अतिक्रमण में चला था। नगर निगम को ये सरकारी जमीन पे अतिक्रमण तो दिख गया, लेकिन सीना ताने खड़ी शहनशाह का मॉल जो है वो नहीं दिख रहा है। कार्रवाई को लेके आपको बता दें, 6 महीने पहले शहनशाह के मालिकों ने नगर निगम की टीम को बेइज्जत करके भगाया था, उसके बाद भी ये कार्रवाई करने से डर रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पे कमिश्नर संदीप श्रीवास्तव पहुंचे थे, यहाँ पे कार्यपालन मंत्री प्रेम कुमार साहू पहुंचे थे, कई सारे अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन इनको इस मॉल में घुसने तक नहीं दिया था। शहनशाह संचालक प्रशांत शाह और राहुल शाह ने इन सबको भगा दिया था और बहाना करके बंद कर दिया था, लेकिन ये बुलडोजर कब चलेगा ये स्पष्ट नहीं है। सूत्र बता रहे हैं, दबी जुबान में लोग कह रहे हैं कि मोटी राशि का लेन देन हुआ है। यहाँ पे कार्यपालन यंत्री प्रेम कुमार साहू पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बड़ी राशि ली है इस पूरे मामले में, जब वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बहरहाल ये आने वाला समय बताएगा जिस तरीके से ये अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, लेकिन शहनशाह को तोड़ा जाना भी जरूरी है। लोग पूछ रहे हैं, बुरहानपुर पूछता है नगर निगम अफसर से कि आखिर इस पे कब कार्रवाई होगी। आप खुद सुनिए क्या कहा अधिकारियों ने। हमारे साथ हमारी खबर को देखते लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्दी से मिले। यदि खबर आप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पे देख रहे हैं उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। शहनशाह मॉल द्वारा ये बताया गया कि मेरे द्वारा ग्रामीण से मैंने परमिशन ली है, वर्तमान में इनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय से एक लेटर जारी हुआ था 2022 में कि कोई भी परमिशन ग्रामीण से जारी नहीं की जाए। वर्तमान में इनको नोटिस भी दिया गया, उनके द्वारा लिखित में जवाब दिया गया कि मेरे द्वारा निर्माण कार्य नहीं दिया गया कराया जा रहा। आज फिर मेरे द्वारा नोटिस पर पहुँचाया गया, लेने से इनकार कर दिया एवं इनके द्वारा पूरा अपना ऑफिस बंद करके अपना पूरा गोडाउन बंद करके यहाँ से चले गए। ये कितने माले की बिल्डिंग है? अभी बाहर से तो 3 माले की दिख रहे हैं, अंदर से देखने में पता चलेगा। अभी वर्तमान में उन्होंने द्वारा बंद कर दिया है। अभी 3 माले और 4 माले दिख रहे हैं, उसके बाद पीछे से अभी असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं हम, क्योंकि उनके द्वारा बंद कर दिया। सर, ये सहयोग नहीं करने पर कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती? अभी कार्रवाई करेंगे, इनको कल के लिए समय दिया है, कल तक के लिए बिल्डिंग परमिशन से संबंधित में। सर, 5 मंजिल लेती मिलती है तो क्या होगा उसके लिए? इनको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से एनओसी लानी पड़ेगी और आगे कार्रवाई। आपका नाम और पद? मैं प्रेम कुमार साहू। और कितनी बिल्डिंग है? नियम अनुसार कार्रवाई करते सर। और कितनी बिल्डिंग यहाँ पे चिन्हित हुई है जिसमें? सभी बिल्डिंगों की धीरे धीरे, अभी वर्तमान में यदि इनके द्वारा बिल्डिंग परमिशन पहले से ली गई है या पूर्व से निर्मित है, उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद यदि कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो उसके लिए परमिशन निगम से इनको लेनी पड़ेगी। जो ये जिस लैंड पे हम खड़े हैं, ये खसरा निगम सीमा क्षेत्र में शामिल हुआ है, तब से यहाँ के जो रहवासी हैं, दुकान वाले या मकान वाले, इन लोगों ने नगर निगम में आकर अपना टैक्स जमा नहीं किया। इनको इस संबंध में पहले हमने नोटिस जारी किए थे, हमारे टैक्स मुहरीर ने इनसे आके चर्चा भी की, 1-to-1 बताया भी कि आपको टैक्स जमा करना है विवरणी भर के, किंतु इनके द्वारा कोई ना कागज जमा किए गए ना विवरणी भरी गई। हाँ, चूंकि इन्होंने टैक्स जमा नहीं किया है, साथ में ही इनको हमने बिल्डिंग परमिशन के संबंध में भी नोटिस जारी किए थे, तो उसका भी इनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया और ना ही कोई बिल्डिंग परमिशन प्रस्तुत की गई। मैडम, शहनशाह जो मॉल है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, शायद वो बंद करके भाग गए। हाँ, उनको हमने बोला था कि आप आपके ऑनर को बुला लीजिए, हम आपकी मौजूदगी में बिल्डिंग का पूरा मेजरमेंट लेंगे और उस आधार पे हम विवरणी भरकर इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई? इसमें नियमों के तहत प्रावधान है, उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति सुनारिया है, सहायक आयुक्त संपत्ति कर राजस्व। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।